नेक्स्ट ये कहता है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका पोजीशन बदलेगा ही यार, ठीक है। तो पोजीशन बदल रहा है, लेकिन इस तरह से बदल रहा है कि टी टाइम ये टी इज इक्वल टू जीरो पर और 5-2 सेकेंड बाद यहाँ पर है। ए पार्टिकल में सर पोजिशन कोऑर्डिनेट आ जितना है टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो जितना है टाइम टी टाइम फाइव एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू 5 सेकेंड। तो टी इक्वल टू जीरो पर देखो, टी इक्वल टू जीरो पर कोऑर्डिनेट कहाँ था, यहाँ पर था। टी इक्वल टू जीरो पर ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को। टी इक्वल टू जीरो पे कोऑर्डिनेट यहाँ था और 6.7 कोऑर्डिनेट है टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हमें इसे मतलब नहीं है बीच में क्या हुआ, हमें इसे मतलब नहीं है, 5 सेकेंड पर यहाँ पर है। चलो ये एक बार इसको समझ लो, एक पार्टिकल यूं यूं चल रहा है, यहाँ पर था जब टाइम जीरो था तो उसका कोऑर्डिनेट था 2,3, जब टाइम 5 सेकेंड बाद हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 सेकेंड बाद 13,14। क्योंकि हमें जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बच्चों, तो हमें बीच में इंटरमीडिएट क्या हुआ वो हमसे मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल यहाँ था, बीच में टी इक्वल टू जीरो पर कहीं था, मैं ये वाली लाइन मिला दूँ तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर क्यों क्यों डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एवरेज जो होती है, वी एवरेज दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा टाइम दिया हुआ 5 सेकंड के इंटरवल, ठीक है। बीच में क्या हुआ, कहाँ गया, हमें इससे मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका इनिशियल R1 और ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका R2, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना आया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर आ गया प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा R2 - R1। हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, और आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आता होगा, यहाँ R2 इज इक्वल टू 13i माइनस प्लस 14j, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, बोलो 13i प्लस 14j और माइनस साइन कहाँ से, माइनस करने की वजह से, घटाने की वजह से इसमें आया, सब्सट्रैक्ट करने की वजह से माइनस 2i और प्लस 3j, सब प्लस में ही दिया है। तो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अब 13 में से 2 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 11i और प्लस 14 में से 3 को घटाओगे तो ये भी 11 से आ जाएगा यार। तो दैट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर में ही दिया है। तो वेक्टर में दिया है तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर 11 कॉमन ले लिया जाए और i प्लस j बीच में बच गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी एवरेज वेक्टर में जब आएगा तो वेलोसिटी एवरेज जो वेक्टर बनेगा 1/5 और यह आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और i प्लस j। कुल मिला के डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ये वाला क्लियर है। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया था, इसका कोई मतलब ही नहीं था यार, ठीक है। ये जो टू इंटरमीडिएट टू पोजीशन वेक्टर है वो हमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल से फाइनल देखते हैं, बस इतनी सी बात भाई, ठीक है।